हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीएस फिट व्लॉग वंस अगेन। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू जो आपने मेरे लास्ट माइंस वाले व्लॉग को इतना प्यार दिया है। इट्स गोइंग गुड। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जाके वो वीडियो देखिए, आई बटन पे ऊपर में मैं शेयर कर दूंगा। और सेकंड कि इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि फिर से मैं वो वाली वीडियो बनाऊं, कुछ वैसा बनाऊं और थोड़ा और इलैबोरेट करके बताऊं उसमें। तो आज टाइम मिला है एंड लेट्स सी। सो वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू, टुडे आई एम अकंपनीड बाय आतिफ। से हेलो टू माय सब्सक्राइबर्स आतिफ। हेलो। सो भाई बहुत भूख लग गया आतिफ। टाइम कितना हो भाई? टाइम हो रहा है भाई 9:45। सो आज तो कुछ सीन नहीं है भाई डाइट का, तो आज होगी चिट मील। सो बट विल बी डेरी में चिट मील, बर्गर पिज्जा, आपका पसंदीदा बर्गर पिज्जा। लेट्स सी। एक लॉकडाउन में तो इतनी मुश्किल हो गई, कुछ मिल भी नहीं रहा है। अभी दो दिन से यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, भाई के लिए हर चीज अवेलेबल है, बर्गर पिज्जा। भाई को मिले तो हर कुछ मिल जाता, खोजे तो भाई के लिए। किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहे तो भाई के लिए हमेशा अवेलेबल है लॉकडाउन में भी। सो देखते हैं भाई कौन सी शॉप खुली है, क्योंकि अभी दो दिन से, लास्ट दो दिन से यहाँ पे लॉकडाउन था। सो आई फाइनली अफोर्ड टू हैव वन बर्गर, चीज लोडेड। हाँ जी, पैदी की दुकान ठंडी खुली थी, खालसा बेकरी, उतो एक पल ले आएगा। थैंक यू पारी, थैंक्स अ लॉट। सो आई नो व्हाट यू वांट टू सी, ईटिंग मी। एज यू नो बाई माई प्रीवियस माइंस ब्लॉग कि मैंने आपको उसमें भी अपना वर्कशॉप दिखाया था, उस समय उस वक्त यहाँ पे कुछ काम चल रहा था। तो अभी भी यहाँ पे कुछ था, थोड़े दिन पहले फैब्रिकेशन का वर्क था। ये बेसिकली यहाँ पे मेरा फैब्रिकेशन का वर्क होता है, कुछ भी लाइक वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ आयरन। लाइक अभी यहाँ पे हमारे कुछ पोल से रिलेटेड वर्क चल रहा है, कुछ टाइम पहले हमारा पाइप से रिलेटेड वर्क चल रहा था। सो देयर प्लीज आतिफ। जैसा कि मैंने बताया लास्ट टाइम भी यहाँ पे कुछ वर्क चल रहा था एंड अभी भी कुछ चल रहा था। तो अभी ये वाली एरिया पूरा खाली था और वो वाली की जो भी आई थी उसको पंटून बोलते हैं। तो बेसिकली मॉनसून माइंस में नीचे वाटर भर जाता है और बाय द हेल्प ऑफ द पंप, अभी पंप तो नहीं है बट बाय द हेल्प ऑफ द पंप उसके ऊपर बिठाया जाता है और उसके साथ पाइप अटैच किए जाते हैं, जिससे वाटर हमारा बाहर आता है और सर्किट माइनर चल के माइंस को और नीचे और डीप करते हैं कि कोल निकले। सो लेट्स गो टू द माइंस। सो बाय द टाइम आई एम गोइंग टू द माइंस, यू कैन एंजॉय द सिनेमेटिक शॉट्स। एंड कुछ टाइम पहले मैंने कुछ व्हीकल्स कैसे ऑपरेट करते हैं उन पर भी कुछ एक दो शॉट्स लिए थे, वो भी मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। Thank you.
जस्ट नाउ यू हैव सीन व्हाट दिस मॉडिफाइड ट्रैक्टर एक्चुअली डू. यस इट इज यूज्ड टू इरेक्ट द पोल. सो अभी मैं आपको बताऊंगा इसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं. और ये रहा इनके ऑपरेटर. क्या नाम है भाई आपका? निर्मल. निर्मल, तो निर्मल जी हमको बताएंगे कि ये बैक साइड में जो पोल करने के लिए यूज़ हो रहा है ये कैसे यूज़ होता है. इसके लीवर्स ये रहे, ये डाउन होता है और ऊपर उठता है लीवर. और ये आगे का है, इसको आगे करने के लिए. हाँ, वो बीट को आगे करने के लिए और से घुमाने के लिए. घुमाने के लिए इधर है ये वाला. घुमाने के लिए ये वाला लीवर है यहाँ पे. हाँ, और आगे करने के लिए. आगे करने के लिए ये उठेगा, डाउन होगा और ये आगे निकलेगा. और यू कैन सी दैट क्रेन लाइक थिंग. बाकी सब नॉर्मल है ना. हाँ, अभी आपको डेमो दे दूंगा नेक्स्ट पोल में. हाउ डज इट वर्क? So right now I am here in quarry number 4 of MCL. MCL का full form है Mahanadi Coalfields Limited. In case you have not seen my that previous vlog of mines, and this is the coal mines of India, and I am here in Odisha. वहाँ पे है ये Mahanadi Coalfields MCL. So quarry number 4 is coming ahead. So let me tell you one thing कि ये यहाँ mines में कोई भी फोर व्हीलर या प्राइवेट कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है. मेरा ये वाला व्हीकल अलाउड इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे एनुअली कॉन्ट्रैक्ट चलता है और सब यहाँ पे नोन भी है. तो इसीलिए हमें तो कोई भी कुछ भी इसके लिए बोलता नहीं है. जो भी यहाँ पे ऑथोराइज पर्सन है हमें कुछ नहीं बोलते हैं ऐसे. यहाँ पे और कोई भी किसी और प्राइवेट व्हीकल को देख लेंगे तो उससे बाहर जाने के लिए कहेंगे या एंटर ही नहीं करने देंगे. स्टार्टिंग में जहाँ पर मेरा वर्कशॉप था वहीं से एंटर ही नहीं करने देंगे. तो आप एक तरह से कह सकते हो कि ये वाला व्लॉग आपको कोई और बना के नहीं दे सकता मेरे अलावा. So we are approx 130 feet, नहीं 300 feet below ground level. And the thing about I'm telling in workshop is, show there please. जैसा कि आपको वर्कशॉप में बता रहा था कि हम जो फैब्रिकेट करते हैं पंटून बनाते हैं उसके ऊपर ही वो पंप को बैठाया जाता है. एंड देन वहाँ से पाइपलाइन उसमें अटैच होता है एंड जितना भी ये वाटर है सब यहाँ से माइन से बाहर उसको किया जाता है कि ये नीचे डीप हो. जितना ही वाटर है माइन से बाहर निकाला जाता है. बेसिकली ये मानसून के समय ही होता है क्योंकि मानसून के समय यहाँ पे पानी भर रहा है. मीट द व्हीकल फेस माइनर, दैट्स द व्हीकल. ये जो आप क्रॉल्स देख रहे हैं जो पूरे हुए हैं ये सब, ये टोटल कोल जो है अभी यही मशीन से कट किया जाता है और उसके बाद ये जेसीबी उसे लोड कर देता है और फिर वो डंपर से बाहर निकल जाता है जो कोल. सो यू कैन सी देयर वन सर्विस माइनर इज ऑलरेडी कटिंग द कोल. धीरे धीरे करके कोल कट करता है. एंड देयर आर मोर व्हीकल्स विच आर यूज टू क्लीन एयर लाइक ग्रेडर एंड लाइक कैटरपिलर. कैटरपिलर इज अ बिग व्हीकल. वो कुछ ज़्यादा ही डाउन में जाता है और तब यूज होता है जहाँ पे ये नॉर्मल डंपर नहीं जा सकते हैं. फोर व्हीलर, 14 व्हीलर और 16 व्हीलर, वो बड़े बड़े हॉलपैक, उनको हॉलपैक भी बोलते हैं यहाँ पे.
भैया सारे माइथ के फोटोज एंड और फोटोज रिलेटेड टू दैट टू माई थार सब मैं वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ. तो मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बिलो. एंड इफ यू एंजॉयड द वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब GS Fitlog. आज तो वो भी धुंधला पड़ गया है, माइंस में चीटे पड़ गए इस पे भी. सो विद दैट सेड, स्टे सेफ, स्टे फिट और ओके बाय.